नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी के द्वारा विगत 450 वर्षों से अनवरत श्री रामलीला मंचन का भव्य कार्यक्रम होता चला आ रहा है, लेकिन इस वर्ष पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के फैलने की वजह से सरकार द्वारा जनहित में जारी अनलॉक गाइडलाइन के अनुसार विजयदशमी का सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रामलीला का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से कमेटी एवं जिला प्रशासन की देखरेख में होगा। मंत्री ओम प्रकाश तिवारी बच्चा ने बताया कि कोई मेला एवं भीड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्थानीय लंका मैदान के सारे गेट बंद रहेंगे एवं गेट पर पुलिस तैनात रहेगी। अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी विजयदशमी के पारंपरिक एवं सांस्कृतिक समारोह का प्रतीकात्मक सूक्ष्म मंचन का आयोजन ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी, जिसका लाइव और रिकॉर्डेड प्रोग्राम का लिंक आपको मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बीते दिनों मरदा थाना क्षेत्र के बोगना गांव निवासी अनिल सिंह की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया से मुखातिब कराते हुए बताया कि बीते 19 अक्टूबर की देर शाम मरदा थाना क्षेत्र के बोगना में गोली मारकर अनिल सिंह की हत्या की गई थी। इस मामले में एक नामजद सहित 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर बदमाशों की तलाश जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कमलेश यादव पुलिस कर्मियों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले क्षेत्र के बोगना निवासी अतुल सिंह उर्फ नन्हे तथा खुश नारायण सिंह उर्फ खुशी रायपुर कैनाल के पास से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर बोगना गांव के दक्षिण तरफ सीवान में बने ट्यूबवेल के पास से 2 32 बोर का पिस्टल, 3 कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार, उप निरीक्षक चंद्रशंकर मिश्रा, कांस्टेबल रामजीत, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार और कांस्टेबल राजेश तिवारी शामिल थे। गाजीपुर नगर SDO शिवम राय के नेतृत्व में शुक्रवार को रोजा तिराहा, नवकापुरा, लंका, चेयरमैन गली, गोरा बाजार आदि क्षेत्र में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर SDO ने बताया कि चेकिंग के दौरान 77 बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया है। हिदायत दी गई है कि यदि बिना सूचना के दोबारा कनेक्शन जोड़ते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाएगा। बताया कि पूर्व में बकाया पर बिना सूचना के कनेक्शन जोड़े जाने पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जमनिया कोतवाली परिसर में शुक्रवार को कोतवाल राजीव कुमार सिंह और राजकीय महिला विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता जायसवाल ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य सरिता जायसवाल ने कहा कि वैदिक काल से महिलाएं सशक्त थीं, आज भी हैं, लेकिन बीच के दौर में परिस्थितियां बदलने से आत्मविश्वास दब गया है। कहा कि महिलाएं बॉर्डर पर राइफल चलाने से लेकर अंतरिक्ष में अनुसंधान तक के लिए जा रही हैं। महिलाओं का नेतृत्व पूरे विश्व ने देखा है। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, पूरा जहां आपका है। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सेवाओं 1090, 181, 102 आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उप निरीक्षक मंशाराम गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, उप निरीक्षक मंजर अब्बास आदि मौजूद रहे। शादियाबाद थाना परिसर में स्थापित की गई महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्य अतिथि रतन ज्योति इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सरोज सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा विषय पर सरकार बहुत गंभीरता से कदम उठा रही है। इस कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए थाना शादियाबाद में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए ये कदम बहुत लाभकारी रहेगा। इस हेल्प डेस्क के खुलने से नजदीक ही पुलिस सहायता मिल जाएगी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि मीरा देवी, भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव के भाई प्रवेश लाल, थाना अध्यक्ष शिव प्रसाद वर्मा, शाहिद अहमद, SI गिरिजाशंकर, SI ब्रिजमोहन आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।